हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली की। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। टुडे विल टॉक अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ एम एस चौहान, चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 30, इट सेज दैट इनमें से ये जो कंपाउंड्स दिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ डायपोल मोमेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी जीरो डायपोल मोमेंट किसका नहीं है। क्वेश्चन 30 आपको ये ऑप्शंस, चार ऑप्शंस दिए हुए, और क्वेश्चन 30 में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये हमारा सिस है, सिस आइसोमर है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और हमें मालूम है सिस कभी भी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट हमेशा देता है, मतलब सिस का डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। रीजन बीइंग इज दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में। जब हम इनको देखें, मॉलिक्यूल प्लेनर है और इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जब हम इन मॉलिक्यूल को देखें तो ये भी हमारे पास रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो देगा, एंड सेम इज विद वन, पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। बट यहाँ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों सिस आइसोमर है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ, दैट दिस आइसोमर हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबशन, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं हीट ऑफ कंबशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम होगी। तो आपको देखना है स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबशन। तो जब हम ऑप्शंस देखें यहाँ पे 31 में, यहाँ ऑप्शंस में हम देखते हैं कि ये जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से तो हम हीट ऑफ कंबशन नहीं निकाल सकते। फिर हम आते हैं इनके अरेंजमेंट पे। तो जब हम इनके अरेंजमेंट को देखें तो हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि जो अरेंजमेंट आ रहे हैं मिथाइल ग्रुप के वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर रहे हैं। सो दिस हैज बिकम द मोस्ट स्टेबल एंड दस हीट ऑफ कंबशन वुड बी द लीस्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज हैविंग स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबशन। और ध्यान रखेंगे हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम हीट ऑफ कंबशन। थैंक यू।